हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। साथ में अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो भी आप लर्निंग का मैसेज मुझे कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं। तो यहाँ पर है 3 of Cups का कार्ड, इसके बाद में यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है 10 of Pentacles का कार्ड, यहाँ पर है 5 of Wands का कार्ड, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड, यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द हैंगमैन और यहाँ पर है 8 of Pentacles का कार्ड। और सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर एक कार्ड और देख लेते हैं, वाओ द चैरियट। बहुत मेजर चेंजेस होते हुए नजर आएंगे, ये खुद चल के आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, खुद चल करके आपसे मिलने, आपके साथ कनेक्ट होने, आपके साथ में जुड़ने के लिए ये आ रहे हैं। ये आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली इनका जो ध्यान है वो आपके साथ में जुड़ा हुआ है, इनका जो कनेक्शन है वो आपके साथ में आपको मतलब जुड़ा हुआ फील हो सकता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर दिख रही है, प्लस आप ये भी फील कर पाएंगे कि ये पर्सन जो है वो पहले जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, ये खुद आपके साथ में जुड़ना चाहते। जब ये थर्ड पार्टी में थे तो ये आपको बड़ा कंफ्यूज करते थे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ है या नहीं है तो आपको यही समझ में नहीं आता था कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है भी या नहीं है, और आप स्टक फील करते थे ऑल द टाइम। लेकिन सीधी सी बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टक ही फील करा रहे थे आपको। थर्ड पार्टी के साथ इनके झगड़े हुए हैं और थर्ड पार्टी के साथ जब इनका क्लैशेस हुए हैं तब इन्हें ये समझ में आया कि वो पर्सन ठीक नहीं है। आप केवल इनसे साथ में कनेक्ट होना चाहते थे लेकिन आप स्टक फील करते थे, आपको ये समझ नहीं आता था कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप किस तरीके से अपने कनेक्शन को आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन आपके और इनके बीच में बनी है वो यही दिखाती है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ वापस से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा यू टर्न इसीलिए और ये होगा, ये पर्सन आपके लिए बहुत बड़ा यू टर्न ले रहे हैं। पहले थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में विलेन बने हुए थे उन्हीं के साथ इनके युद्ध होने पर ये स्टकनेस से बाहर आते हुए आ रहे हैं और अब आपको अपनी फैमिली, अपना सबसे बड़ा हमदम हमराज देख रहे हैं। आप इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इनको कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप तटस्थ थे, आपने देखा था कि चीजें कैसे आपकी तरफ डेवलप होती हैं नहीं होती हैं, बट ये पर्सन जब आपकी तरफ आए हैं तो ये पर्सन अब आपको प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये अपने एफर्ट्स आपकी तरफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये अपने सारी चीजें, अपनी बातें, अपने कनेक्शन को आपके साइड में लेकर के आएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और आपको ही कंप्लीटली अपनी तरफ या आपके साथ ही अब रिलेशन को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये अपनी गलतियों को भी सोच रहे हैं, इन्होंने काफी सारी गलतियां की हैं। और ये जब यही सोचते हैं कि आपको इनके बारे में क्या क्या पता है और आप कैसे मतलब कितनी कितनी चीजें इनके बारे में जानते हैं और अपना पुराना बिहेवियर याद करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, इन्हें बुरा लगता है, अपने ही खुद के किए हुए पर पछतावा भी होता है। अब ये यही चाहते हैं कि ये उस पर वर्क करें और कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को आपके साथ अच्छा करें, अपने रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को और अच्छा करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और अपने रिलेशन को अच्छा करके फिर उस पर मतलब उसके हिसाब से ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, ये भी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन इस सिचुएशन को लेकर के काफी ज्यादा परेशान जरूर दिख रहे हैं ये, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये पर्सन बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं आगे के, पीछे का जो भी हो गया हो गया, बट आगे जो भी सच अच्छी चीजें की जा सकती है ना, ये अब उसके बारे में सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली वर्क करेंगे, देखना है कितना काम कर सकते हैं आपके साथ। सो ये है रीडिंग, अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस आप अगर टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं
या सीखना चाहते हैं, दोनों के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पर ही फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।